नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। सीएम बनाने का मौसम चल रहा है भाई। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री चुन लिए गए, मध्य प्रदेश में भी मोहन यादव को मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। हाँ, अब बारी राजस्थान की है। वैसे देखा जाए तो भाजपा ने दोनों जगह जिस तरह एक अलग ही नाम के साथ चौंकाया है, नामचीन नामों को छोड़ते हुए ऐसे नाम आगे आए हैं जिन्हें शायद इससे पहले ज्यादा सुना या पढ़ा नहीं गया है। कुल मिलाकर ये कहें कि चौंकाया है तो गलत नहीं होगा। ऐसे में अब राजस्थान में भी कई कयास लगाए जा रहे हैं। किसी थ्रिलर सस्पेंस वाली फिल्म में भी इतना सस्पेंस नहीं होता जितना मुख्यमंत्री बनाने को लेकर इस वक्त देश की राजनीति में भाजपा ने बनाया हुआ है। वैसे राजस्थान में मुख्यमंत्री के चयन को लेकर चल रही उठापटक काली यानी 12 दिसंबर को थम जाएगी। भाजपा ने सभी विधायकों को मंगलवार को बुलाया है। इस बैठक में शामिल होने के लिए ऑब्जर्वर राजनाथ सिंह मंगलवार सुबह 10 बजे जयपुर आएंगे। वहीं सरोज पांडे और विनोद तावड़े आज रात तक जयपुर पहुंच जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक भाजपा कार्यालय में शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक शुरू होगी और पहले विधायकों से 1-to-1 बातचीत हो सकती है। लंच के बाद औपचारिक रूप से सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी और मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग का मुख्यमंत्री बनाने के बाद ये माना जा रहा है कि राजस्थान में सामान्य वर्ग से किसी विधायक को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ दो चीज साधनी बाकी रह गई है। एक तो सामान्य वर्ग, दूसरा महिला बिल को लेकर भाजपा जब इतनी उग्र थी तो अब महिला को लेकर के ये भी सामने आया है कि मुख्यमंत्री में कहीं ना कहीं इस वर्ग को साधा जा सकता है। बहरहाल दोनों ही राज्यों में मुख्यमंत्री के रूप में चौंकाने वाला नाम सामने आया, इसलिए राजस्थान में भी यही उम्मीद की जा रही है। वरिष्ठ विधायक कालीचरण सराफ, प्रताप सिंह सिंघवी, बाबू सिंह राठौड़, जसवंत यादव, पूर्व विधायक अशोक परनामी, राजपाल सिंह शेखावत और प्रहलाद गुंजल पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बंगले पर सोमवार को भी पहुंचे हैं। वहीं वसुंधरा राजे के घर विधायकों के जुटने के सवाल पर भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट मिले हैं। उनका चेहरा ही हमारी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है, और उसके बाद भी अगर कोई सोचता है कि मेरे चेहरे से पार्टी को वोट मिले हैं तो वो मुगालते में जरूर रह सकता है, लेकिन सच्चाई नहीं है। वैसे भी किसी को बुलाना और अपने समर्थन के लिए कहना भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं है। रविवार 10 दिसंबर को राज्य से विधायकों की मुलाकात को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से शिष्टाचार मुलाकात करार दिया। भाजपा मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में जोशी ने कहा कि वसुंधरा राजे पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 2 बार की मुख्यमंत्री रही हैं। वरिष्ठ नेताओं से जीते हुए जनप्रतिनिधि लगातार मुलाकात कर रहे हैं, वो पार्टी कार्यालय भी आते हैं, ऐसे में यह एक सामान्य सी मुलाकात है। प्रहलाद गुंजल के वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाने के बयान पर भी जोशी कहते हैं कि ऐसी कोई बात मेरी जानकारी में नहीं है, अगर ऐसा है तो उसे भी देखेंगे। इसके साथ ही विधायक दल की बैठक के सवाल पर जोशी कहते हैं कि जल्द ही विधायक दल की बैठक का आयोजन किया जाएगा। भाजपा सूत्रों के अनुसार मंगलवार को विधायक दल का नेता चुनने के बाद राज्यपाल के पास सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। इसके बाद 15 दिसंबर को जयपुर में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा सकता है, और इसमें मुख्यमंत्री के साथ 10 से ज्यादा मंत्रियों के भी शपथ लेने की संभावना है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 10 दिसंबर को दिल्ली से जयपुर पहुंची थी। दोपहर में वसुंधरा के 13 सिविल लाइन्स आवास पर भाजपा विधायक मिलने पहुंचे। विधायक दल की बैठक से पहले वसुंधरा से विधायकों के मिलने को अहम माना जा रहा है। विधायकों के साथ ही पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी, पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी, पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत, पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल भी वसुंधरा से मिले। पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने कहा कि राजस्थान के बिगड़े आर्थिक हालात को देखते हुए अनुभवी मुख्यमंत्री चुना जाना जरूरी है। फिलहाल राजस्थान में सिर्फ वसुंधरा राजे ही अनुभवी नेता हैं। इस बात को राजस्थान की जनता भी महसूस कर रही है। सारा राजस्थान यही मांग कर रहा है। मैं भी यही चाहता हूँ कि वसुंधरा राजे राजस्थान की अगली मुख्यमंत्री बननी चाहिए।